कैनवा के क्रिएटर बड़े हरामी हैं, डंडा लेके कर घुस के मारने आ जाएंगे। जब मैंने एटसी पे सेल करना स्टार्ट करा था ना, तो मैंने ना गोल्स बना लिया कि मुझे वीक में इतने इतने सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। बट वाज द वन क्वेश्चन इन माय माइंड जो कि मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था कि यार मतलब कि कैसे मैं कई सारी चीजें करूँ, वो क्वेश्चन था कि सच में मैं कैनवा के डिजाइन को एटसी पे सेल कर सकता हूँ या नहीं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला, जो भी आपके क्वेश्चन है कि आपको लग रहा है कि यार मैं सच में कैसे करूँ कैसे ना, मेक श्योर इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और मैं आपको बता दूं, ये एक फ्री एटसी बूट कैंप कोर्स चल रहा है, जहां पर आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरे एंड तक जो भी सारी प्रोसेसिंग होती है सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा कर, क्योंकि हर वेडनेसडे और संडे को वीडियो आ जाती है। ठीक है, तो चलो फिर अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि ना रियली सेल कैनवा डिजाइन्स ऑन एटसी, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, सेल कर सकते हो। जो भी कैनवा के डिजाइन्स वगैरह है सेल कर सकते हो। वो क्यों? बिकॉज जो कैनवा है वो एटसी से इंटीग्रेटेड है आपस में। ठीक है, अगर आप कैनवा का प्रो वर्जन यूज करो तो कैनवा के डिजाइन को टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हो एटसी पे। ठीक है, अगर आप कैनवा का फ्री वर्जन यूज करो तो मे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जो कि आपको नहीं मिलते हैं। एलिमेंट्स आपको चाहिए बहुत सारे अमेजिंग, तो वो फ्री में बहुत कम मिलते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो तो फ्री वाले चीजों से भी आप मस्त अमेजिंग डिजाइन बना सकते हो, आप सेल कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कैनवा प्रो है या फिर एजुकेशन वाला है तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको सेल करने में एटसी पे। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि अगर मैं कैनवा के प्रो को फिर भी मन में डर लगा रहता है कि यार सच में सेल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं, कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि मतलब कॉपीराइट इशू डाल देते हैं, लीगल इशू डाल देते हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल सा इनका कहना, चाहे वो क्रिएटिव मार्केट वाला हो, चाहे कैनवा हो, चाहे कोई भी जितने प्लेटफॉर्म है, वो सबका कहना ये है कि आप किसी भी डिजाइन को किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी एज इट इज उठा करके आप सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मतलब उनकी मेहनत है, उन्होंने बनाया है उसको स्क्रैच से बनाया है। तो अगर आप उसको ऐसे ही सीधा उठा रहे हो डिजाइन में चिपका रहे हो सेल कर रहे हो तो गलत बात है, राइट? तो मतलब क्या सॉल्यूशन क्या है चीज का, कैसे करा जाता है, किस तरीके से आपको टेम्पलेट भी बनाना है, तो किस तरीके से आपको सेल करना है उसको। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। ठीक है, इसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूं अभी। तो देखो, सबसे पहले यहां पे आ गया, स्क्रीन पे आ गया हूं मैं अभी। स्क्रीन पे आने के बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने ये एलिमेंट लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे यहां पे कोई भी गर्ल्स लिखो, ठीक है, गर्ल्स लिखा मैंने, गर्ल्स लिखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे आपको। तो इन एलिमेंट्स को अगर आप एज इट इज उठा रहे हो और फिर इसके बाद कह रहे हो, जैसे वॉल आर्ट मैंने बना लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वॉल आर्ट मैंने बना लिया, वॉल आर्ट बनाने के बाद मैंने एज इट इज इस लड़की को उठाया और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई वॉल आर्ट बन चुका है, अब मैं इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, बन गया और सेल करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेम इनका कलर है, सेम आपको एज इट इज उठा रहे हो, जिस आर्टिस्ट ने इसको बनाया है तो लीगल इश्यूज फिर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इसको यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये दिख रहा होगा सेम वही चीज़ है, बट मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, पीछे बैकग्राउंड चेंज कर दिया। मतलब इनका कहना साफ ही है कि आप इसमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी को यूज करो, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंपल है, तो यहाँ पर आपने कुछ फ्लावर्स को ऐड कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, थोड़ा इसका कलर चेंज कर दिया आपने, तो इस हिसाब से आप मैनेज कर, इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो आप, तो फ्री हो चाहे पेड हो। फ्री का अगर आपको उठा लो यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, आप जैसे कि कुछ और ले लेता हूँ जिसका कलर वगैरह चेंज हो सकता हो, जैसे कि इमेज है, तो इसको हटा देते हैं। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लावर्स, तो यहाँ पर जैसे कि फ्लावर मिल गया, तो अब ये फ्लावर्स ना काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, ऐसे लोगों को पसंद आता है, तो अब आप सोच रहे हो कि एज इट इज़ मैं इसको उठा लूँ और डाल दूँ, ब्लैक कलर सही लग रहा है, तो ये गलत है बिल्कुल। फिर इसमें थोड़ा ना आपको क्रिएटिविटी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, उनका साफ कहना ये चीज़ है। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे लिया इसको, इसको मैंने डुप्लीकेट करा, ठीक है, कुछ भी मतलब क्रिएटिव करना है आपको अपने तरीके से, जो भी आपको सही लगे। तो तीन को मैंने डुप्लीकेट करा, यहाँ पर ऐसे करा, ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ पर मैं इनका कलर चेंज कर दूँ, जैसे कि ये ब्लैक है तो मैं दूसरे ब्लैक को यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लैक, तो काफ़ी सारे ब्लैक कलर मिल जाएंगे, अल्टरनेटिव मिल जाएंगे इसके, तो इस वाले ब्लैक को मैंने यहाँ चेंज ऑल पे करूँगा, सब पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद कुछ अदर फूल्स को आप ऐड कर सकते हो, अदर फ्लावर्स को ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा अपने क्रिएटिव कुछ क्रिएटिविटी करके दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, जहाँ पे अगर मुझे वाइट ही चाहिए तो वाइट में फिलहाल यहाँ पे जैसे वाइट लिखूंगा तो यहाँ पे अदर वाइट्स आ जाते हैं, इसके अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, तो इस वाइट को मैंने चुन लिया, कुछ भी अलग कलर चेंज कर सकते हो आप। तो इनका कहना साफ सा है कि आप किसी भी एलिमेंट को उठा के एज इट इज़ मत लिखो, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे आपको एलिमेंट मिल जाएंगे, कितने लोग क्या गलती करते हैं, मतलब एलिमेंट को उठाया सीधा और बस कर दिया और मतलब सेल करने लगे, तो ये गलती मत करना। आप किसी भी टेम्पलेट में, फॉर एग्जांपल को टेम्पलेट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैं यहां पर आया, यहां पर मैं सर्च करता हूं इंस्टाग्राम, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पोस्ट आया, आप बहुत सारे लोग अगर आप सोशल मीडिया पर यूज़ करो तो शायद कर सकते हो, ठीक है ना, सोशल मीडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं होती इसमें।
जैसे कि ये टेम्पलेट्स बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे लोग इस टेम्पलेट्स को एज इट इज़ उठाते हैं और सेल कर देते हैं। बट ऐसी गलती मत करना आप, अगर आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आपको कॉपीराइट का बहुत तगड़ा इशू आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा होगा है ना, बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बने, जैसे क्रिसमस आ रहा है तो आपको लग रहा होगा यार क्रिसमस के टेम्पलेट बने बनाए तो बनाते हैं, सेल करते हैं एटसी पे, तो ठीक है सेल करना, कोई दिक्कत नहीं। इनका कहना साफ ही है कि यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करा इस वाले को, तो मुझे करना है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया, इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कलर, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ येलो, ठीक है येलो कलर ले लिया मैंने, चलो ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है ग्रीन ले लिया, ठीक है इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब टेम्पलेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो अपने हिसाब से आप। इसका फंट चेंज कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर बहुत सारे फंट हैं, उसको लगा सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि किसी भी टेम्पलेट को, सिंपल सा कहना यह है कि आप किसी भी टेम्पलेट को इसी तरीके से, मतलब जैसे यहाँ पे मिल रहा है इसी तरीके से यूज़ मत करो, थोड़ा सा कुछ एलिमेंट ऐड करो, थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट ऐड करो अपना, मतलब कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ इस चीज़ में, ठीक है इनका कहना साफ ही है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना सारी चीज़ों को, तभी जाके समझ में आने वाले सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने आपको बताया, सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं यार, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना तो जाके काम आएगा आपकी चीज़। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 10 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ जो कि आप बना करके कैनवा से सेल कर सकते हो, नाम बताऊंगा साथ में बताऊंगा कैसे आप बना सकते हो चीज़ों को, ठीक है। सो मेक श्योर इस कोर्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा कर रखो, क्योंकि संडे और वेडनेसडे को वीडियो आ जाती है, तो लाइक करो इस वीडियो को एंड सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित बिले।